चैन दोस्तों, बताएंगे इसका आपको कि मादा जनन तंत्र किस तरीके से काम करता है और इसमें क्या क्या अंग होते हैं, जो कि मुख्य इसके कौन कौन से प्राथमिक अंग होते हैं, है ना। मादा जनन तंत्र बहुत कायदे समझेंगे मादा, क्योंकि इसका फिगर भी हमने बना दिया है, अब फिगर के हिसाब से आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये मादा रिप्रोडक्टिव मादा जनन तंत्र का जो है, ये मादा का फिगर बना हुआ है, ठीक। इसमें आपको क्या चीज दिया है, एक अंडवाहिका होती है, अंडवाहिका दोनों तरफ लगी होती है, ये अंडवाहिका लगी है, ये वाली ये अंडवाहिका लगी और इधर ये अंडवाहिका लगी है, ठीक। ये मानव ह्यूमन जो मादा होती उसका उत्सर्जन तंत्र है, जो मादा होती उसका उत्सर्जन तंत्र है। ये लगी है अंडवाहिका, फिर होते हैं अंडाशय, दो यहाँ पे अंडाशय लगे होते हैं, एक इधर लगा होता है एक इधर लगा होता है, ठीक। अगर बाय द वे एक काम नहीं करता है तो एक काम करता रहता है। और ये जो होती है मेन, ये होती है ग्रीवा, ग्रीवा या गर्दन भी कह सकते हैं किसी, जैसे ग्रास नदी वगैरह है तो उसी तरीके से ग्रीवा होती है। ग्रीवा क्या करती है, यहाँ तक जाती है, बाद में अंडाणु इधर उधर भागने लगते हैं, यानी यहाँ तक पहुँचती है उसके बाद इधर उधर अंडाणु भागने लगते हैं, ठीक। और अंदर ये जो बना हुआ है, ये अंदर योनि के अंदर, यानी योनि के अंदर क्या होता है, जब अंदर अंदर जाओगे तो वहाँ पे एक कुंडली नुमा सब बना होता है, ये कुंडली नुमा दोनों तरफ से बना होता है, ठीक। और वहाँ पे क्या ग्रीवा, और फिर इसके योनि, ये मेन छिद्र होता है योनि का, और गर्भाशय भी यहाँ पे गर्भाशय होता है, ठीक है। गर्भाशय के बगल में ही अंडाणु अंडाशय होता है, जिसमें अंडाणु जा करके गर्भ का निर्माण करते हैं, जो कि गर्भाशय की सहायता से और इसमें जो शुक्राणुओं की सहायता से। अच्छा, अंडाशय का कार्य क्या होता है, पहले अंडाशय देख लेंगे कि अंडाशय ये कब बनते हैं। ये एक महीने में बनता है, कब बनता है, महीने में बनता है। और इसके लिए सबसे बहुत ज़रूरी बात होती है, क्या होती है कि स्त्री में आर्तव चक्र का होना, क्या आर्तव चक्र का होना। जब आर्तव चक्र होता है तभी ये जाकर के अंडाणुओं का निर्माण होता है। ये लगभग 14 से 15 वर्ष की अवस्था में स्टार्ट हो जाता है, 14 से 15 अवस्था या 12 से 13 तक, लगभग कुछ लोगों में 12 से 13 अवस्था में भी स्टार्ट हो जाता है। ये आर्तव चक्र का बनना मतलब उनके अंदर अंडाणुओं का उत्पन्न होना स्टार्ट हो गया, उसके बाद में वो गर्भ को बना सकते हैं, गर्भ बन सकता है। तो ये 14-15 से भी स्टार्ट हो जाते हैं। अंडा से क्या होता है कि शुक्राणु जो जाते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, आपके अंडाशय में। अंडाशय क्या होते हैं, अंडाशय में जो अंडाणु होते हैं, अंडाशय के अंदर क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं। अंडाशय में जो अंडाणु होते हैं उनसे जाकर के शुक्राणु टकराते हैं, उनसे मिलते तो खींच लेते हैं अपनी ओर, और ये गर्भाशय में छोड़ देते हैं। गर्भाशय में छोड़ने के बाद में तो गर्भाशय में क्या होता है, उसका गर्भ बनना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्भ बनना स्टार्ट हो जाता है। और इसमें जो काम करने वाली जो चीज़ें होती हैं, अंडाशय को शुक्राणुओं जो उनको ले जाने में, अंडाणुओं को बनाने से उनको ले जाने में गर्भाशय तक कौन जो काम करता है उसको कहते हैं अंडवाहिनियाँ। क्या कहते हैं, अंडवाहिनियाँ, यानी अंडवाहिनी, वाहिनी का मतलब होता है एक प्रकार की नसें, एक प्रकार जैसे यहाँ से है, यहाँ से शुक्राणु गए यहाँ तक पहुँचे, उसके बाद में गर्भाशय पहुँचा, यहाँ पे अंडवाहिनियाँ लगी हैं, और जो है अंडाशय में पहुँचा रहे वहाँ पर भी अंडवाहिनियाँ लगी। जो वाहिनियाँ बहुत पतली नली नुमा, जो होती हैं वो क्या करते हैं, वो अंडवाहिनियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अंडवाहिनियाँ कहलाती हैं, जो कि लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर की होती हैं, 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है, ठीक। 2 से 3 सेंटीमीटर लंबाई होती है इनकी, जो कि उस वहाँ तक पहुँचाती है। क्या कहते हैं उसको, अंडवाहिनी या डिम्बवाहिनी। फिर आता है गर्भाशय। गर्भाशय में क्या होता है, गर्भाशय में भ्रूण का निर्माण होता है, एक बच्चे का निर्माण होता है। जब वो अंडाशय से परिपूर्ण हो करके और गर्भाशय में पहुँचता है तो क्या करता है, वो भ्रूण का वहाँ पर निर्माण होने लगता है उसका, है ना, भ्रूण का निर्माण होने लगता है। और इसका जो पूरा भाग होता है अंतर्भाग, वो एक सेंटर से जुड़ा होता है, जो अंदर उसके भ्रूण बन रहा है उसका एक सेंटर से जुड़ा होता है। जो छोटी सी नली नुमा वो माँ के पेट से मिल रहा था, उसी के द्वारा वो पूरा अपना भोजन प्राप्त करता है, वो गर्भाशय में पल रहा है जो बच्चा। तो ये क्या होता है कि अंडाशय से अंडवाहिनियाँ जो काम करती हैं, अंडाशय से पहुँचाती है, फिर उसको पहुँचा देती हैं गर्भाशय में, गर्भाशय में भ्रूण का निर्माण होने लगता है, ठीक है। बहुत शॉर्टकट में समझा दे रहे हैं, बहुत आसान ट्रिक से कि ये निर्माण होने लगा, यानी ये अंडाणु है, फिगर समझ लेना थोड़ा बस, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। बाह्य जननेंद्रियाँ, बाह्य जननेंद्रियाँ क्या होती हैं, बाह्य जननेंद्रियाँ जो बाहरी जनन अंग हैं, बाह्य जनन, यानी कि बाहर क्या होता है, वसा होती है। यहाँ पे जैसे है, यहाँ पे क्या होगी, एक प्रकार की वसा होगी। वसा मतलब एक प्रकार की चिकनाई होती है, क्या होती है, चिकनाई होती है यहाँ पे, ठीक, तैलीय पदार्थ होते हैं। और बाह्य जननेंद्रियाँ, और यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पे बाल वगैरह भी जनन अंगों पर बाल आने का स्टार्ट हो जाता है। ये कब होता है? ये लगभग 15 से 16 वर्ष की अवस्था में, कितना 15 से 16 वर्ष की अवस्था में ये सब काम चालू हो जाते हैं। ठीक, तो ये क्या है बाह्यजननेन्द्रिया कि उसके अंदर ही बाई, उसको कहते हैं हम लोग यौन छद, जो बाहर के होता है यो कहलाता है यौन छद। यौन छद होता है। अब वो क्या होता है, ये एक प्रकार का सर्कुलेशन हर स्त्री के अंदर होता है। और जब पहली बार मैथुनांग होता है इनके साथ, पहली बार जब मैथुन होता है तो क्या होता है, यौन छद जो होता है वो फट जाता है, यौन छद वो फट जाता है। उसी के बाद में वो माँ बनने के लायक हो जाती है, यानी जब शुक्राणु उसके अंदर जाते हैं। तो बाय उसी को क्या कहते हैं, यानी बाय यौन छद होता है, जब यौन छद फट जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहने लगते हैं, यौन कहने लगते हैं। ठीक, क्या यौन कहते हैं। फिर स्तन ग्रंथियां क्या है, यानी स्तनों का निर्माण होना। स्तनों का निर्माण ये 11 से 12 वर्ष की अवस्था में धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। 11 से 12 वर्ष की अवस्था में ये स्टार्ट हो जाता है। और फिर धीरे 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 करके स्तनों का निर्माण या स्तनों ग्रंथियों का निर्माण होने लगता है। और जैसे स्तन ग्रंथियों का निर्माण, उसमें दुग्ध कैसे आएगा, यानी भाई लड़की मान लो कोई भी लड़की हो और उसकी शादी ना हो, भ्रूण का निर्माण ना हो रहा हो, तो उसके अंदर दूध का निर्माण नहीं होगा, दुग्ध ग्रंथियाँ उसके कार्यरत नहीं होंगे। तब ऐसे कब होता है, ये इसीलिए इसको अंडाशय के डिपार्ट में डाला गया है, यानी मादा जनन तंत्र के डिपार्ट में इसको डाला गया। वैसे तो ये अलग का भाग है कि नहीं, जाहिर सी बात है कि स्तन ग्रंथियों से, स्तन से हमें क्या लेना देना है, स्तन से और उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन क्या होता है कि इसका लेना देना इतना है कि ये जो होता है कि स्तन का निर्माण तो हो जाता है, लेकिन उसके अंदर जो दुग्ध ग्रंथियाँ हैं, क्या दुग्ध ग्रंथियाँ हैं, दुग्ध ग्रंथियों का जो लेना देना है वो आपके गर्भाशय से है। यानी जब गर्भ के अंदर बच्चा बनने लगेगा, भ्रूण बनने लगेगा, तभी दुग्ध ग्रंथियाँ उसकी एक्टिवेट होंगी। तो दुग्ध ग्रंथियाँ एक्टिवेट होगी तो वो किसके माध्यम से जाएंगी, तो वो काम करने का कौन कार्य करता है, स्तन ग्रंथियाँ काम करती हैं। जय हिंद।